आप देख रहे हैं इन खबर। पूरा देश इन दिनों कोरोना वायरस की चपेट में है। हॉस्पिटल में लोगों की भीड़ लगी हुई है और हर दिन लाखों की संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। आलम यह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। इसी बीच में राजस्थान के एक हॉस्पिटल से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों को अंदर से झकझोर दिया है, क्योंकि यहाँ कोरोना मरीजों के परिजनों के बीच जमकर लात घुसे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें, जानकारी के मुताबिक राजस्थान के भरतपुर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। आलम यह है कि जिला आरबीएम हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों की भीड़ लगी हुई है, लिहाजा मरीजों को भर्ती कराने को लेकर जमकर यहाँ लात घुसे चले। रिपोर्ट के अनुसार एक कोरोना मरीज कोविड वार्ड में भर्ती था, जिसकी देखरेख और इलाज को लेकर परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामला इतना बिगड़ गया कि दोनों ओर से लात घुसे चलने लगे। वहीं बीच बचाव करने पहुंचे स्वास्थ्य कर्मियों को भी लात घुसे मारे गए। परिणाम यह हुआ कि मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ गई और बाद में पुलिस को बुलाना पड़ा, जिसके बाद माहौल को शांत कराया गया। पहले आप वो वीडियो देखिए। वीडियो देखकर आपको भी जरूर हैरानी हुई होगी। ट्विटर पर इस वीडियो को लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, दृश्य राजस्थान के भरतपुर के कोरोना वार्ड का है। अशोक गहलोत जी, इन सब का आरोप भी मोदी जी पर लगा दो। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा संपत्ति को लेकर हुआ था। फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे हैं। आगे के अपडेट पर रहिए हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।